नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही यम्मी सा नाश्ता लेकर के आई हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और यहाँ देखिए, मैं 4-5 बनाना ली हूँ और मलाईदार 1/2 लीटर दूध ली हूँ। इससे मैं आज यहाँ पे बनाऊँगी पैनकेक, बनाना पैनकेक जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ बनाना को और दूध को मैं मिक्सी के जार में डाल दी और उसमें 150 से 200 ग्राम तक मैं चीनी डाल दी हूँ। 1/2 लीटर दूध, 4-5 बनाना और 150 से 200 ग्राम तक चीनी, और वो दूध का बर्तन जो था उसी में मैं यहाँ पे घोल के इसका पेस्ट मिक्सर के जार में अच्छे से पेस्ट बना दी हूँ और ले आई हूँ। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी बनाना का इसमें दिख नहीं रहा है, ऐसा लाना है पेस्ट तैयार करके। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके 1/2 kg मैदा इसमें मिक्स करूँगी। आप चाहे तो यहाँ मैदा नहीं चाहते हैं तो आटा या सूजी से भी बना सकते हैं इसको, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। इस तरीके से एक बार आप देखिएगा बना करके, ज़रूर नहीं बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये पैनकेक, ख़ास तौर से बच्चों के लिए और भी मतलब टेस्टी होता है ये, मतलब बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। तो आप बना के दे सकते हैं बच्चे के लिए भी, और हेल्दी भी है, बनाना मिल्क वगैरह सब है इसमें। तो आपके ऊपर है कि किस फ्लेवर में इसको बनाना चाहते हैं। बहुत सारे फ्लेवर में ये बनाया जाता है, चॉकलेट वगैरह भी डाल के बनता है। मैं यहाँ पे सिर्फ बनाना से आज बना रही हूँ। और यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बिल्कुल 1/4 स्पून इसमें डाल दिए हैं। और ये बेकिंग पाउडर है, दोनों ही मिक्स करके ज़रूर डालिए। बेकिंग पाउडर 1.5 स्पून डालना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है और बेकिंग सोडा 1/4 स्पून डालना है। ये ज़रूर आप मेजर याद रखिएगा, इतना के लिए बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे मैं डालूँगी ये वेनिला एसेंस, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे 1 चम्मच तक वेनिला एसेंस मैं डाल दी और अच्छे से इसको, यहाँ देख सकते हैं कितना स्मूथ ये पेस्ट बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। अब बस इसको पैन में बनाना है या कढ़ाही नॉन स्टिक है उसमें बना लीजिए या तवा में बना लीजिए, आपके ऊपर जो भी है उसमें आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ देखिए, मैं तवा और ये जो पैन है मतलब कढ़ाही, इसमें दोनों में मैं बना के यहाँ पे दिखाऊंगी। और यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है। तो बिल्कुल लो फ्लेम में इसको हल्का सा तेल या घी जो भी आप खाते हैं उससे ग्रीस कर दीजिए और बस उसमें डाल दीजिए। बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पे खूब अच्छा फ्लफी सा स्पंजी ये जो पैन केक है बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही यम्मी सा और झटपट से बनता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही स्वादिष्ट है ये, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। और इसके खाने का तरीका, बच्चे यदि नहीं खाना चाहते हैं कुछ तो उनको कैसे खिलाया जाए ये दिखाऊंगी मैं आगे कि किस तरीके से आप इनको खिला सकते हैं। और यहाँ देखिए, इसको ढक्कन हटा के इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम में इसमें ढक्कन लगा दीजिए और थोड़ी देर बाद 1 से 2 मिनट बाद ही वो अच्छा सा फूल के तैयार हो जाता है। यहाँ पे हल्का हल्का साइड से आप चिपकने जैसा दिख रहा है तो आप तेल हल्का सा लगा सकते हैं, तेल या घी जो भी आप डालना है। बस बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अंदर भी इसमें तेल वगैरह नहीं डालना है, बस उतना ही डाली हूँ मैं जो दूध और केला। और आप चाहे तो ड्राई फ्रूट वगैरह खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या बच्चे को देना चाहते हैं तो इस तरीके से इसमें ड्राई फ्रूट भी आप मिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए सारा मैं यहाँ पर बना के और फिर आगे खाने का इसका तरीका भी दिखा दूँगी आपको। बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप ज़रूर एक बार बनाइएगा। और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा कोरोना में, घर में खूब हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए और ध्यान से रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये सारा यहाँ पे बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे इसको कट करके क्या इसमें डालेंगे जिससे और भी स्वादिष्ट लगे बच्चों को, और बच्चे एकदम मिनटों में चट कर जाएँ और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। और यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिए 4 यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे टेबल पे ला के इसको यहाँ कट करके दिखाती हूँ इस तरीके से। आप चाहे तो चाकू से भी कट कर सकते हैं इसको, और देखिए कितना स्पंजी है, बिल्कुल फ्लफी सा बना हुआ है और अच्छे से पक गया है। 2 से 3 मिनट में ही पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। और इसको इस तरह से 4 पीस में कट कर लिए। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे ये चॉकलेट सिरप जो है इसके ऊपर डाल करके बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, आप भी खा सकते हैं इसको। यदि चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप चॉकलेट को भी पिघला करके इस तरीके से इस पर डाल सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी बन के ये तैयार हो गया। तो लीजिए, इन्जॉय कीजिए आप लोग,
बच्चे को भी इंजॉय कराइए। फिर मिलते हैं इस तरह की और भी नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।